स्वागत है आपका वॉइस ऑफ एमपी में। मैं आपके साथ सिमरन। चलिए सुनाते हैं आपको आज के रेडियो बुलेटिन। भोपाल विधानसभा में आज प्रदेश भर में अवैध निर्माण के खिलाफ मुहिम का मुद्दा उठा और उस पर जमकर हंगामा हुआ। कांग्रेस विधायक गोविंद सिंह ने कहा, एक विचारधारा वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। दतिया में अवैध निर्माण गिराया गया। इस मुद्दे पर गोविंद सिंह और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के बीच तीखी बहस हुई। नरोत्तम मिश्रा ने कहा, गोविंद सिंह स्थगन प्रस्ताव लेकर आए, सरकार उस पर चर्चा के लिए तैयार है। पूरे दतिया को कांग्रेस ने बेच डाला है। गोविंद सिंह ने कहा, ये घोषित आपातकाल है, चुन चुन कर विरोधियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। हंगामे के बीच सदन की कार्रवाई 5 मिनट के लिए स्थगित कर दी गई। जबलपुर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रवाद और युवा सरोकार राष्ट्रीय संगोष्ठी शुरू हुई। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने संगोष्ठी का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल, नेताजी के प्रपोत्र चंद्र कुमार बोस, मेजर जीडी बख्शी भी मौजूद हैं। ये संगोष्ठी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में हो रही है। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा, नेताजी धीर पुरुष थे, महापुरुषों में नेताजी चमकते हुए सितारे थे। मध्य प्रदेश विधानसभा में आज बीजेपी नेता और सांसद स्वर्गीय नंद कुमार सिंह चौहान को श्रद्धांजलि दी गई। सदन की कार्रवाई शुरू होते ही सदस्यों ने उन्हें याद किया। सीएम शिवराज ने कहा, नंद कुमार सिंह चौहान ने जो काम किया वो सहजता सरलता के साथ किया। वह शत्रु और मित्र नहीं मानते थे, वह दोनों को एक समान समझते थे। मैं उन्हें श्रद्धांजलि देता हूँ। मध्य प्रदेश विधानसभा में आज का दिन हंगामेदार हो सकता है। आज सदन में लव जिहाद रोकने के लिए लाए जा रहे धार्मिक स्वातंत्र्य विधेयक 2020 पर चर्चा होगी। इसी के साथ आज से प्रदेश में शहरों और स्थानों के नाम बदलने की शुरुआत भी हो जाएगी। इसी के साथ सदन में आज कई ध्यान आकर्षण प्रस्ताव भी लाए जाएंगे। भोपाल में राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शिक्षक शिक्षा विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी शुरू हुई। इसमें सीएम शिवराज ने भी शिरकत की। इसमें 40 से ज्यादा शिक्षाविद प्रोफेसर शामिल हो रहे हैं। सीएम शिवराज ने कहा, शिक्षक की शिक्षा कितनी महत्वपूर्ण है ये जानना होगा। बच्चों पर पहले बस्ते का बोझ, फिर परीक्षा का बोझ, जबकि हमारा लक्ष्य छात्र को ज्ञान और कौशल देना होना चाहिए। मध्य प्रदेश के इंदौर में रेनिसो लॉ कॉलेज के पिकनिक के दौरान बड़ा हादसा होने की खबर सामने आई है, जिसमें डूबने से 2 लड़कों की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक ये सभी छात्र कॉलेज बंक कर पिकनिक मनाने गए थे। साफ है कि रेनिसो लॉ कॉलेज प्रबंधन को इसकी जानकारी नहीं थी। पुलिस के अनुसार वीरेंद्र पवार नामक लड़के का शव निकाल लिया गया है, जबकि हर्ष गुप्ता की तलाश की जा रही है। पवार टिगरिया बादशाह और हर्ष गुप्ता सीधी निवासी था। आपको बता दें कि मोहदी फॉल करीब 200 मीटर गहरा है और इसी में डूबने से 2 छात्रों की मौत हुई, जबकि 28 स्टूडेंट सुरक्षित बाहर निकाले गए हैं। मौके पर खुड़ेल थाना पुलिस और एनडीआरएफ का दल मौजूद है। कोरोना वैक्सीनेशन के तीसरे चरण में आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उनकी पत्नी साधना सिंह ने भोपाल में वैक्सीन लगवाई। उन्होंने शहर के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल हमीदिया में टीका लगवाया। बाद में उन्होंने वैक्सीनेशन करने वाले स्टाफ के साथ ग्रुप फोटो खिंचवाया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शुक्रवार को अपना 62वां जन्मदिन मना रहे हैं। बचपन से ही शिवराज में नेतृत्व क्षमता थी, उनमें लीडरशिप क्वालिटी स्कूल के दिनों में ही देखने को मिली थी। मध्य प्रदेश की कमान संभालने वाले सीएम शिवराज सिंह चौहान ने टीटी नगर स्थित मॉडल स्कूल से पढ़ाई की थी। मॉडल स्कूल से ही उनकी छात्र राजनीति की शुरुआत भी हुई।